लिस्ट बनाई गई थी, वो लिस्टों के अंतर्गत उन लोगों के नाम थे जो लोग खाद्य सुरक्षा में राशन की दुकान से सामग्री प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में उनको सामान बढ़ गया, कोई बात नहीं, मिलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हमारे वार्ड के अंदर। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहाँ है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। समस्या ये थी कि पहले भी हमने ये विरोध किया था कि जो बीएलओ द्वारा जो सूची जारी की गई थी, जिसमें खाद्य सुरक्षा का जिनको लाभ दिया गया था कि सूखी सामग्री बांटी गई थी, उसमें बीएलओ द्वारा अपनी हट अपनाते हुए उन लोगों को लाभ दिया जो लोग खाद्य सुरक्षा का दुकानों से सामान ले रहे हैं, और वो लोग वंचित है जिन लोगों को एक भी बार अभी तक कोई भी सामान नहीं मिला, उनका एपील कार्ड है और वो नाम जुड़वाने की कोशिश भी करते, लेकिन उनको आज तक भी सूखी सामग्री का वितरण नहीं हुआ। मैंने कलेक्टर साहब को आज ही उसी प्रकरण को दोहराया है कि आज पुनः दोबारा उन्हीं लोगों को सामान मिल रहा है जो लोग वास्तविकता में जो हकदार थे, उनको तो सामान मिल नहीं रहा, रसद सामग्री उनको मिल रही है जो लोग राशन की दुकानों से खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं। अब मैंने 9 तारीख को अपना विरोध जताया था, उसके बावजूद ही केवल आश्वासन दिया था, आज मैंने भवानी सिंह जेठा जी को और कलेक्टर साहब को यही बात दोहराई है वापस कि सर इसमें उन लोगों को लाभ मिलना चाहिए जिन लोगों को घर में किसी प्रकार का खाद्य सुरक्षा या राज्य सरकार के द्वारा किसी भी तरह का कोई उनको लाभ नहीं मिल रहा, उन लोगों को आप प्राथमिकता दें। लेकिन इन्होंने बोला दिखवा लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज वापस उन्हीं लोगों को सामान वितरित हो जाएगा जिन लोगों को खाद्य सुरक्षा में लाभ मिलता रहा, उन्हीं लोगों को वापस मिल रहा। वो परेशान है जिन लोगों के घरों के अंदर आज तक ना तो फुटकर लोग है, रिक्शा चालक है, ऑटो चालक है, और जो कलर पेंटिंग का काम करते हैं, मिस्त्री काम करते हैं, उन लोगों को अभी तक ये स्थिति है कि उनके घर में राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई सूखी रसद सामग्री आज तक उनको नहीं मिली है। मैं ये चाहता हूँ कि जब मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2 अप्रैल से ये प्रथा लागू की जाएगी कि जो APL लोग हैं जिनको किसी भी प्रकार का खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता है, चाहे वो कच्ची बस्ती के लोग हो, चाहे वो फुटकर मजदूर हो, उन लोगों को सभी को, चाहे उनका APL हो या ना हो, लेकिन आधार कार्ड से भी उनको रसद सामग्री भी उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन अजमेर एक ऐसा शहर है, ऐसा ज़िला है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी की बात को भी अमली जमा लोग नहीं पहना रहे हैं, और मैंने इस प्रकरण को भवानी सिंह जेठा साहब के सामने रखा। अगर ये यहाँ पे भी सुनवाई नहीं होती है तो अगला मेरा कदम होगा माननीय मुख्यमंत्री जी और सचिन पायलट साहब के सामने होगा, क्योंकि जो मेरा वार्ड है वो कच्ची बस्ती के लोगों का वार्ड है, SC का वार्ड है, जहाँ पर फुटकर लोग रहते हैं, ठेला मजदूर रहते हैं और ऑटो चालक लोग रहते हैं जो पूरी तरह से वंचित हैं।